आपको बोला था परमानेंट 20 मिनट, मैंने 20 मिनट मैंने बोला था, आपने नहीं बोला था। आपने बोले थे मैंने 20 मिनट बोला था। 27 मिनट हो गए, चलो जो हुआ हो, क्या टाइम हो रहा है अभी? 27 मिनट हो गया अभी तो मैंने चलाई नहीं, मैंने वहाँ पे ले जाकर खड़ी रखी है। 4:45 में भाई बाहर के बंदों का ज़्यादा नाजायज फायदा नहीं उठाते, 500 रुपये का तेल नहीं फूका इसमें। मैं अगर जैगुआर भी ले जाता ना तब भी नहीं। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख पा रहे हैं मेरे बैक में एक बाइक है, 4-व्हीलर बाइक है ये, इसकी राइड लेंगे हम, अभी चलाएंगे। बीच किनारे अक्सर मिलती हैं ये चलाने के लिए। हाँ, लोगों तो इस पर BMW का लगा है लेकिन वो असेंबल्ड होती हैं ये, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। तो एक बार मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और इसको जब आप रेंट पर लेते हो टोटल आपका रिस्क होता है, आप किसी को ठोक देते हो किसी से, या मतलब पलट जाती है, या पानी में आप ले जाते हो उसे, और इसके साथ में कुछ इसका पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो रिस्क आपका होगा, इसमें ओनर कुछ नहीं कर सकता। और ये रेंट पर आपको 500 रुपये में रेंट पर मिल जाती है, तो आप इजीली इसकी राइड ले सकते हो 15 से 20 मिनट 500 रुपये में। अच्छी बाइक है, इजीली टू टू थ्री पर्सन्स चला सकते हैं, 2 से 3 लोग आसानी से चला सकते हैं। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ और उसके बाद में इसको की राइड स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, मैं आपको इसका क्लोजअप दिखा देता हूँ। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग इसे हम देख पा रहे हैं, ये दमस बीच है जो कि सूरत सिटी के पास में पड़ता है गुजरात में, और ये मटीला बीच होता है। इसका पानी बहुत ज़्यादा नमक वाला होता है, आप देखेंगे नीचे तक अभी पानी आए, यहाँ तक पानी आ रहा है पैरों तक। और मतलब दिखने में बहुत ज़्यादा शांति है, पर्यावरण का यहाँ पर आपको कोतवाल सुनाई देगा, आवाज़ें सुनाई देंगी आपको, और कुछ प्राकृतिक चित्र भी आपको ज़मीन पर दिखाई देंगे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये सामने देखो GoPro 360 लगा हुआ है, अगर आपको 360 वीडियोस देखनी है तो उसमें देखें, और वैसी वीडियोस देखनी है तो आप इस दूसरी वीडियो देखेंगे दमस बीच की ब्लॉग वीडियो, तो आपको इसके बारे में प्रॉपर यहाँ से मिल जाएगा। और दूसरी वीडियो हमारी वहाँ से शूट हो रही है, आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे लगभग 2 घंटे हो गए। पहले मैंने इसको खुद इन्जॉय किया, थोड़ी देर घूमा फिरा, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो बनाते हैं, क्योंकि वीडियो बनानी भी ज़रूरी है। ब्लॉगिंग की मेरी शायद बहुत कम वीडियोस हैं, इवन ना कि जितनी वीडियोस हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ अधिकांश वीडियो डालने की कोशिश करूँ, ब्लॉग्स बनाने की कोशिश करूँ, अपनी नज़रों से आप तक नज़ारे पहुँचाने की कोशिश करूँ। मैं एक्चुअली बीच एरिया का जो मेन पॉइंट है, जो सामने आपको भीड़ भाड़ वाला नज़र आ रहा है, वहाँ कैमल राइडिंग वगैरह भी बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ मैं भीड़ भाड़ वाली जगह से आपको थोड़ा आगे ले आया हूँ। यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक शांति फैली हुई है, मैं शांत माहौल में आपको ले आया हूँ इस समय। तो शांति हर किसी को पसंद होती है, अगर आप कभी सूरत आते हैं, गुजरात आते हैं, तो आकर ज़रूर देखिए, बीच पर भी आइए, यहाँ लोगों को बिजनेस भी मिलता है, हर जगह लोगों को बिजनेस मिलता है। इवन आप पहाड़ों पर भी जाते हैं तो ट्रैवल करना ज़रूरी होता है, उससे हमारी अंतरात्मा भी थोड़ी खुश रहती है, और जो भी हम जॉब कर रहे हों, काम कर रहे हों, या अपना बिजनेस हो, उसमें हमें सहयोग मिलता है जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं। तो आज मैं भी आया हूँ, अच्छा लग रहा है, आप देखिए आप भी आनंदित फील कर रहे होंगे। अच्छी जगह है, मतलब मन कर रहा है कि खुद से बातें कब तक करेगा इंसान ना, पर अच्छा लग रहा है। तो मुझे आप लोग सब दिखाई दे रहे हो, आप लोगों को मैं इमेजिन कर सकता हूँ अपने साथ में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है YouTube ऑडियंस के साथ में रिलेट करते हुए। तो आप लोग जो है एक तरह से मतलब
फैमिली पार्ट जैसे हो गए वो मेरे लिए। तो आप लोग देख पा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं ज़्यादा अच्छा ब्लॉगर नहीं हूँ, ज़्यादा मैंने ब्लॉगिंग्स नहीं किए हैं, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, ज़्यादा बोलना भी अच्छे से नहीं आता है। पर आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आई होंगी। बीच को आप फिर से देख लीजिए, कितना प्यारा बीच है, आपको देखकर भी अच्छा लग रहा होगा, आनंद फील भी करेंगे। बीच बहुत प्यारा है, मतलब मुझे तो प्यार हो गया इससे। और भी कई जगह जाने की प्रयास है, जैसे अंडमान है, गोवा बीच है, उनका भी ट्राई करेंगे। अभी मैं आया तो था यहाँ पर ब्लॉगिंग के ही लिए, लेकिन 4 से 5 दिन हो गए मुझे सूरत में आए हुए, और यहाँ आते ही मेरी मतलब हेल्थ इश्यूज हो गए, मैं बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। आज ही मैंने थोड़ा सा रिलैक्स फील किया है, तो मैं थोड़ा खुद को रिलीफ देने के लिए बीच एरिया पर आ गया, क्योंकि मैं प्रकृति के साथ में बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ, और प्रकृति मुझे सुकून पहुँचाती है, जैसे मैंने अभी आपके साथ में बताने की कोशिश भी की थी। तो आप देख ही पा रहे हैं, हर जगह हर प्रकार से आपको प्रकृति नज़र आएगी। इवन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ की भूमि में भी, आप जो नीचे देखेंगे कुछ फुटप्रिंट्स में, अधिकांश जगह को तो आप देख पा रहे होंगे ये टायर्स ने जो है काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया है इन चीज़ों को। लेकिन आप देखेंगे ना, कुछ कलाकृतियाँ समुद्र तटीय क्षेत्रों पर बन जाती हैं। ये बहुत अट्रैक्ट करती हैं, हालांकि कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा थी जब मैं आया था, और अब इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही हैं। और अभी यहाँ पर थोड़ी सी इतनी कोतूहल भी नहीं है, शांति ही शांति है। आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं आसानी से। इवन मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी बीच पर बिता सकते हैं, दुनिया के किसी भी बीच पर। कुछ इस बीच के बारे में भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेफ बीच है, अच्छे बीच हैं, अपने परिवार के साथ आइए, इन्जॉय कीजिए। क्योंकि सूरत वैसे ही अपने आप में बहुत ट्रेडिशनल सिटी में काउंट होता है, इवन गुजरात भी काफ़ी ट्रेडिशनली ही काउंट होता है। अब मैं आपको सारा कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सूरत का पोर्ट है, बंदरगाह, यहीं से सामान हर जगह जाता है। अब देखो वहाँ तक पोर्ट है, दूर दूर तक ये समुद्री क्षेत्र, इधर इनका बीच एरिया आ जाता है, ज़्यादा कि आप देख पा रहे हैं साइड भी। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाना चाहूँगा, हल्का सा। आप देखिए बच्चों के खेलने के संसाधन भी हैं यहाँ पर, बहुत कुछ है। साथ ही मंदिर, प्रभु का आशीर्वाद, और इधर अनंत समुद्र। आपको काफ़ी कुछ दिखा पाया, और जो होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बने रहिए मेरे साथ में। और कमेंट्स के थ्रू अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देते रहिएगा, अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करते रहना। धन्यवाद।